3, 2, 1, go. Hi guys, good morning. Today we are starting our day early. It's 8 o'clock. We're still late. We're going to Kumbhalgarh, which is 90 kilometers away. It's going to be a really beautiful fort on some hill, so we're going to explore that. We're right outside Zostel. It's one of the smallest Zostels that we've stayed in, but it's a really beautiful property. So yeah, we'll see you there. Bye. Madam, this is actually looking like that. Every step, writing stories that seek to be read, taking hold of the moment as we discover every color filled with wonder. Now we finally see we got everything we need. Here we go. Hi guys, we're back again. We're in the Kumbhalgarh fort, like we had said in the morning. This fort is really huge. It was built in 1444 to 1458 AD. Some fun facts, just so that you can come here with ease. Your vehicle will come right at the entrance of the fort, so you can get your vehicle here. The ticket is almost 40 rupees and the camera fee is nothing, so please do get your cameras as well. It's really pretty, really beautiful. I think we're going to get to see the most of the city over here. So yeah, come along, we'll let you know. अच्छा, अगर आप उदयपुर घूमने आ रहे हो तो आई थिंक 3 to 4 days इज अ गुड इनफ टाइम दैट यू आर एक्चुअली लुकिंग एट. वी डिड क्वाइट अ बिट ऑफ एक्सप्लोरिंग इन एंड अराउंड द सिटी. सो अगर आपको आइटनरी चाहिए तो यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. सो वी आर गुड. बट अगर यहां तक आए गए तो एक कहानी भी सुन लो. व्हाट्स लाइफ विदाउट अ गुड स्टोरी, राइट? एंड दिस स्टोरी हैज नथिंग टू डू विद उदयपुर. हम जैसलमेर में थे एंड वी स्टेड इन जैसलमेर फोर्ट, राइट? तो देयर इज अ फेमस कॉफी शॉप विच गोज बाय द नेम कुकू कॉफी शॉप एंड दे मेक मोर देन 40 वेरियंट्स ऑफ कॉफी. सो इफ यू आर समबडी हु इज इनटू कॉफी, यू शुड डेफिनेटली एक्सप्लोर दैट प्लेस फॉर श्योर. अच्छा, तो आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक अबाउट रितेश जी, हु इज द ओनर ऑफ कुकू कॉफी शॉप. He seems to be somebody who really enjoys having conversations and narrating stories. He's really passionate about coffee brewing aur wo shop lagbhag 18 saal se khud se chala rahe. He has a lot of stories around him meeting celebrities, unke covid ke time pe jo struggles the,
और मेरा उनसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, हाउ डज ही कीप हिमसेल्फ मोटिवेटेड जस्ट रनिंग अ कॉफी शॉप ऑल दिस वाइल फॉर द पास्ट 18 इयर्स और सो, राइट? और उनका बस वो जवाब सुन लो, आई थिंक टॉकिंग टू लोकल पीपल लाइक दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव इन जनरल. सुबह उठते सबसे पहले तो भगवान को शुक्रगुजार करता हूँ, उनको थैंक यू बोलता हूँ कि धन्यवाद भगवान आपका जो एक दिन और देते हैं मेरे को जीने के लिए, और एक दिन 24 घंटे और मिलके मेरे को नए नए लोगों से मिलने के लिए, और एक दिन और मिल गया कुछ और करने के लिए. तो मेरे को यही मोटिवेट करता है. और जो गेस्ट आते हैं हमारे कॉफ़ी शॉप पे, चाहे दिन में एक गेस्ट आए पर वो यहाँ से जाए तो वो अपनी यादें ऐसी लेके जाए और यादें ऐसी छोड़ के जाए कि वो दोबारा आए ना तो वो यादों के साथ आए और उनकी यादें यहीं पे रहेगी. वो जब भी नेक्स्ट में आएंगे तो उनकी यादें यहीं पे रहेगी, यहाँ से कहीं नहीं जाएगी. हमारे पास ऐसे गेस्ट हैं जो मतलब 10-10 साल बाद भी आते हैं तो उनको ये कॉफ़ी शॉप वैसा ही मिलता है जो वाइब्स पहले छोड़ के गए थे, वैसे की वैसी पॉजिटिव एनर्जी उनको उस वक्त भी मिलती है. मतलब कभी भी किसी को ना तो गुस्से से बात करते हैं ना कुछ करते हैं, सबको स्माइली फेस से ही बात करते हैं क्योंकि स्माइल एक बहुत बड़ी चीज़ होती है. अगर आप स्माइल कर रहे हो तो सामने वाला ऑटोमेटिकली स्माइल करेगा. तो मैं हमेशा एक लाइन हमेशा बोलता हूँ, मेरा कोट है, ऑलवेज स्माइल, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल व्हेन यू स्माइल.